चित्रकूट में होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, ये अहम जानकारी दे रहे हैं। चित्रकूट में आरएसएस की बड़ी बैठक होनी है, संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे। आज से चित्रकूट के दौरे पर होंगे मोहन भागवत। चित्रकूट से लिया जाएगा एमपी की सत्ता और संगठन का फीडबैक। वहीं संघ की कार्यसूची में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। 14 जुलाई को दत्तात्रेय होसबोले भी आएंगे। मध्य प्रदेश देश भर के सीनियर प्रचारक वर्चुअली जुड़ेंगे, इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं विधानसभा चुनावों के साथ साथ कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से चित्रकूट दौरे पर होंगे। मोहन भागवत का ये दौरा 7 दिनों का होगा। इस दौरान यूपी चुनाव को लेकर मोहन भागवत मंथन करेंगे। 8 जुलाई से 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। आरएसएस की ये बैठक यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होनी है। कोरोना महामारी को देखते हुए 300 प्रचारक ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ेंगे। साथ ही यूपी के आने वाले 2022 के चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के सभी भारतीयों का डीएनए एक होने को लेकर जारी बयान पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं उन लोगों पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। हकीकत यह है कि मोहन भागवत का बयान पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला बयान है, लेकिन कुछ लोग एक बड़े तबके को बरगला कर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। जाति के आधार पर हिंदुस्तान में भेद करना ये चरित्रमयी नहीं है इस देश के। इसलिए सरसंघ चालक जी का बयान पूरे भारत को प्रेम के आगोश में एक कर देने वाला बयान है, लेकिन भ्रांति फैलाकर, भ्रम फैलाकर एक बड़े तबके को अपनी वोट बैंक मान लेना, उसकी जलती हुई भट्टी पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये जिनका धंधा रहा, कृत्य रहे, उन पर चोट हुई है।